अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉलेज फिस्टा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन है हमारा वो है जी ईकैट 2021 से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ईकैट ने यूईटी ने अभी लास्ट डेज़ में अपनी डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 24 से 27 मई को टेस्ट जो अपना कंडक्ट करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है ईकैट की वो स्टार्ट हो जाएगी 12 अप्रैल से 17 मई तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल सा है, उसी तरह लास्ट ईयर की तरह। आप HBL की जो स्पेसिफ़िक ब्रांचेज हैं, वो ब्रांचेज कौन सी हैं, आपको UET की वेबसाइट से मिल जाएंगी। उन स्पेसिफ़िक ब्रांचेज में जाके आपको जस्ट टोकन परचेज करना है। वो टोकन किस तरह का होगा, जिस तरह आप मोबाइल में स्क्रैच कार्ड, मोबाइल के लिए कार्ड कहते हैं, उसको स्क्रैच करना होता है तो नंबर मिलता है आपको, तो उसी तरह उस टोकन पर आपको नंबर होगा, उस नंबर के अगेंस्ट आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा ऑनलाइन। तो इसकी जो डेट है 12 अप्रैल से 17 मई तक है। 17 मई तक अपना एडमिट कार्ड जनरेट कर सकते हैं। 17 मई के बाद आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जितनी जल्दी हो सकता है आपने उसको करवा लेना है। लेकिन इस साल थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। लास्ट ईयर या उससे पहले जो होता था, आपका जो ई कैट है वो आफ्टर पार्ट टू के एग्ज़ाम के बाद होता था। पार्ट टू के एग्ज़ाम दे देते थे, उसके बाद आपको 40-45 डेज मिलते थे, तो आप उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। वो इस तरह है कि जी आपका अभी पार्ट टू के एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है, पॉसिबल है वो जुलाई में हो, या शायद कल की न्यूज़ देख रहे हैं कि वो अगस्त में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ई कैट ने अपना 24 मई को टेस्ट अनाउंस कर दिया कि 24 से 27 मई तक वो टेस्ट लेंगे। उसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेज में होगा। इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा 12 अप्रैल को, जब उनका फॉर्म आएगा कि किस तरह आपने उस फॉर्म को फिल करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है एंटर करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना है। तो इस साल अब बच्चों को बहुत से चैलेंजेस होंगे। पहला चैलेंज ये है कि अभी उन्होंने पार्ट वन का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि इस साल हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। वैसे तो अगर आप ई कैट की रिक्वायरमेंट देखें तो 60% होती है कि जिसके फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स होंगे वही अप्लाई करें, बाकी तो एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न ये है, फर्स्ट ईयर का चूँकि आपके वो एग्ज़ाम नहीं हुए तो वो रिज़ल्ट नहीं है, पार्ट टू के एग्ज़ाम भी नहीं हुए तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। कैटेगरीज़ दो हैं मेजर, एक इंजीनियरिंग वाली है और एक कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी है। इंजीनियरिंग में फर्दर चार कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। डिप्लोमा होल्डर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इस सेशन, ठीक है। तो लेकिन इस साल चैलेंज क्या है कि आपका जो सिलेबस है वो फुल स्मार्ट सिलेबस होगा या फुल सिलेबस होगा। ई कैट ने अपनी जो ऐड दी गई है उसमें कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया कि जी स्मार्ट सिलेबस से हम टेस्ट लेंगे। इसके लिए आपका फुल सिलेबस है। अब पार्ट वन का भी फुल सिलेबस है, पार्ट टू का भी फुल सिलेबस है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पार्ट वन की तैयारी करेंगे तो आपका जो पार्ट टू इस वक्त चल रहा है वो सफ़र करेगा। अगर आप पार्ट टू को देखेंगे तो ई कैट की तैयारी नहीं करेंगे तो वो भी सफ़र करेगा। तो दोनों चीज़ों को आपको पैरेलल लेके चलना है, क्योंकि अगर आपको यूईटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको एफएससी के भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका जो ई कैट का रिज़ल्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों रिज़ल्ट अच्छे होंगे तो तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर उनमें दोनों में से एक वीक हो जाएगा तो फिर चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि आपको अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में या डिज़ायर्ड डिसिप्लिन में आपको एडमिशन मिले। तो अगर हम 12 अप्रैल से अगर आज की डेट से यहाँ देखें तो आपके पास मैक्सिमम 40-41 डेज़ हैं टेस्ट दिन तक। इसी में आपको तैयारी करनी है सारी की ई कैट की। हाँ, अगर ई कैट पोस्टपोन करता है, जो कि आपने माइंड में रखें, अगर पोस्टपोन करता है तो वो अलग से बात है, हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन अभी आप माइंड में ये रखें कि आपके पास सिर्फ 40 डेज़ ही हैं, इसके अलावा कोई दिन नहीं है। लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, पोस्टपोन कर दिया था, बच्चे रिलैक्स हो गए, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्होंने जब डेट दी तो वो बच्चे जो है फिर भी रिलैक्स के दोबारा से डेट चेंज होगी, लेकिन उन्होंने टेस्ट ले लिया। तो इस साल आप इस सिचुएशन इस चीज़ पे ना रहें कि ये एक्सटेंड करेंगे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 24 से 27 मई को ये टेस्ट होगा ही। अगर इन केस जो 1-2% चांस है कि ये एक्सटेंड करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट है कि आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप इन्हीं 40 डेज़ में तैयारी कर लें अपनी कम्प्लीट, ताकि उसके बाद आप फुल टाइम आप अपने पार्ट टू के एग्ज़ाम को दें, सारी तैयारी पार्ट टू के लिए करें। तो अब इन दिनों में हम नॉलेज फिस्टा, जो कि लास्ट ईयर भी हमने आप लोगों के लिए कुछ लेक्चर्स पब्लिक के लिए शेयर किए थे जिससे आपको हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के अंदर, NET1 का हो, NEST का हो, UTG किसी का भी हो, ठीक है, कुछ जनरल लेक्चर अपलोड किए हमने ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। इस साल भी हम एक
एक्सक्लूसिव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फुल फ्लेज आपका कोर्स कवर होगा। ठीक है, अब कोर्स के लिए वो लेक्चर्स तो हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्लस आपने पार्ट टू की आपकी तैयारी भी चल रही है, हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी पार्ट टू भी सफ़र ना हो और एनिटेस की भी तैयारी हो जाए, तो इस तरह हमने सेशन डिज़ाइन किया है। वो सेशन इस तरह है कि आपके मैथ और फिज़िक्स के पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर होगा टेस्ट के थ्रू, मतलब एक पूरा टेस्ट सेशन होगा। टेस्ट सेशन में अगर देखें तो जो टोटल हैं 58 टेस्ट हैं, उन 58 टेस्ट के अंदर मैथ्स के भी हैं, फिज़िक्स के भी हैं, प्लस आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट भी दिया जाएगा। उन सारे टेस्ट की लाइव डिस्कशन भी करवाई जाएगी, रिकॉर्डेड भी हो सकती है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि सारी की सारी लाइव डिस्कशन हो बच्चों के साथ, ताकि बच्चों की जो कोई और प्रॉब्लम भी होंगी हम वो भी डिस्कस करें। तो ये इन पूरे सेशन के अंदर, ये सेशन की डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगी, या आपने सेशन ज्वाइन किस तरह करना है वो भी उस लिंक से आपको मिल जाएगा। सेशन आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है, विदाउट एनी हैसल आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी गारंटी के साथ अगर आप ये टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं। अब पार्ट टू की अपनी पैरेलल चल रही है, लेकिन थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी है, एक या दो घंटे निकाल के सिर्फ हमारे लेक्चर्स और वो टेस्ट आपने सॉल्व करना है, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह आपने सर कासिम को सुन लिया, मैं हूँ आसिम आपका फिज़िक्स टीचर। तो बच्चों आप लोगों ने जल्द से जल्द अपने आप को इस सेशन में रजिस्टर करवाना है, इंशाल्लाह आपकी भरपूर तैयारी करवाई जाएगी, आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर में डिस्कशन होगी और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी फ़ीस। तो बेटा फ़ीस आपकी इंतहाई मुनासिब रखी गई है, ये इतनी फ़ीस है कि कोई भी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। आप अगर फ़ीस के बारे में या डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस जो नीचे आपको स्लाइड में एक नंबर शो हो रहा है उस पर भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाके एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन लिंक, उसमें आपको जा सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और फिर आपसे जो स्केड्यूल है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। तो हमारा सेशन जो है 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और उसमें 22 या 23 मई तक आपका सेशन चलेगा। उसमें तमाम चैप्टर्स आपके थॉरली डिस्कस भी किए जाएंगे, टेस्ट भी होंगे, फिर फुल बुक होंगे, पार्ट वन की फुल बुक अलग टेस्ट होगा, पार्ट टू फुल बुक का टेस्ट अलग होगा, और एक कंप्लीट जो होगा कंप्रिहेंसिव फुल बुक टेस्ट होगा, बुक वन बुक टू का वो भी होगा, और आपको हाफ बुक की असाइनमेंट्स भी मिलेंगी जिसमें आप घर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने आप को जल्द से जल्द इस सेशन में रजिस्टर करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर उसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको मुझे इस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सर कासिम से कर सकते हैं, मेरे से कर सकते हैं, या कमेंट में आप अपना कमेंट प्लेस कर दें तो उससे हम इसका आंसर करेंगे इंशाल्लाह। सो बेटर लक स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक ई कैट 2020 इंशाल्लाह। दिस इज़ द टाइम टू बिकम एन इंजीनियर एंड दिस इज़ द टाइम टू बिकम ए विनर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।